दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह अपने भाई तक को जान से मरवा देता है। और क्या आपको मालूम है, अपनी बुआ को भी जहर देकर उसने मरवा दिया था। और तो और किम के पिता के शोक में जो लोग नहीं रोए उन्हें भी मरवा दी थी गोली। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अभी भले ही बीमार बताया जा रहा हो, लेकिन उसकी सनक और क्रूर तौर तरीकों के कई किस्से दुनिया भर में मशहूर है। उसे नॉर्थ कोरिया में भगवान का दर्जा मिला हुआ है, फिर भी नॉर्थ कोरिया के लोगों को जान से मारना उसके लिए एक मजाक है। लोग कहते हैं रहम नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर किसी की जान तक लेने में वो आगे रहता है। आपको इस वीडियो में, यानी मैं विशाल प्रजापति, आपको इस बर्बर तानाशाह की सनक के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जनरल को झपकी आई तो मरवा दिया। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ ह्योंग योंग ने मीटिंग के दौरान एक बार किम जोंग के सामने झपकी ले ली। फिर क्या था, तानाशाह आग बबूला हो गया और उसे फौरन अरेस्ट करवा दिया। उसके बाद उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से मरवा दिया। ऐसा करते वक्त देश का हर बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था ताकि उनके दिलों में खौफ बना रहे। अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। अपना विरोध करने पर किम जोंग उन ने भाई किम जोंग नेम को जहर देकर मरवा दिया। 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे जहर दिया गया। उसके फौरन बाद ही नॉर्थ कोरिया के 4 संदिग्ध वापस देश लौट आए थे। शिकारी कुत्तों से नचवाया फूफा का जिस्म। इसने साल 2013 में अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया। किम जोंग उन ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया। 120 शिकारी कुत्तों ने किम के फूफा जेंग सेंग थाएक को नोच डाला। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तर कोरिया में ऐसी खौफनाक सजा कभी किसी को नहीं दी गई। जिस फूफा को सनकी तानाशाह ने मरवा दिया उसी ने उसे सियासत की बारीकियां सिखाई थी। लेकिन किम जोंग को लगा कि उसका फूफा का कद उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए उन्हें कुत्तों को खिला दिया। बुआ को भी जहर देकर मारा। पति की मौत पर सवाल उठाने वाले किम जोंग उनकी बुआ को भी मौत ही नसीब हुई। वो खुलेआम किम की खिलाफत करने लगी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरे देश में बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। मगर 2015 में नॉर्थ कोरिया से भागे एक सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया कि बुआ को किम ने मरवाया था। जनरल को तालाब में फेंकवाया। पिछले साल खबर आई थी कि किम जोंग ने अपने ही एक जनरल को मरवा दिया है। उसे शक था कि ये जनरल साजिश रच रहा है। किम जोंग ने अपने घर में एक बड़ा सा तालाब बनवा रखा है जिसमें पिराना मछलियां पाली हुई है। आपको बता दें इन मछलियों के दांत बड़े नुकीले होते हैं। बताया जाता है कि जनरल को इसी तालाब में फेंक दिया गया। लोग नहीं रोए तो मरवा दी गोली। साल 2012 में जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई, तब भी कई लोगों को मौत की सजा दी गई। दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस रोज प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग आ रहे थे, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मौत आ गई। किम जोंग ने ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करके फरमान सुना दिया। दर्जनों लोगों को शौक नहीं मनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। बातचीत फेल हुई तो 5 अधिकारियों को दी मौत। 2019 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच ऐतिहासिक बातचीत शुरू हुई। फरवरी महीने में दोनों देशों के नेता वियतनाम के हनोई में मिले। साउथ कोरिया मीडिया के मुताबिक बातचीत सफल नहीं हो सकी तो किम जोंग उन ने अमेरिका में अपने विशेष राजनयिक और उत्तर कोरिया के विदेश विभाग में काम करने वाले 4 अन्य लोगों को मार्च में मरवा दिया। 2015 में जंग होते होते बची। अगस्त 2015 में साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगवाए और अपना प्रोपोगंडा शुरू किया। इसमें किम इतना आग बबूला हो गए कि उसने तोपों के साथ सेना बॉर्डर पर भेज दी। ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर स्पीकर बंद नहीं हुए तो जंग होगी। बाद में संयुक्त राष्ट्र के दखल से शांति स्थापित हुई। नागरिकों के लिए बेहद कड़े नियम। नॉर्थ कोरिया में बिना किम की मर्जी के कुछ नहीं होता। किसी को नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। धर्म क्या होगा, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, घर से निकलने पर कैसे रहना है, ये सब सुप्रीम लीडर ही तय करता है। 3 साल की उम्र में चलाते थे गाड़ी। क्या हुआ, यकीन नहीं हुआ ना, हमें भी नहीं हुआ। लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोग यही मानते हैं कि उनके नेता ने सिर्फ 3 साल की उम्र में एक कार चलाना सीख लिया था। इतना ही नहीं, बच्चों को भी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने नाव की रेस में एक नाव कंपनी के मालिक को रिहा कर दिया था। दादा जैसा दिखने के लिए करवाई प्लास्टिक सर्जरी।
कुछ चीनी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपने दादा किम संग जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लोगों पर नेट चलाने की पाबंदी, बाहरी दुनिया से काट कर रखा। किम को हमेशा से क्रूर शासक के तौर पर देखा जाता रहा है। नॉर्थ कोरिया की उतनी ही खबरें लोगों तक पहुंचती है जितना किम चाहते हैं। अपने लोगों पर उन्होंने तरह तरह की पाबंदी लगा रखी है, जैसे वहां पर इंटरनेट नहीं चलता जो आप और हम चलाते हैं। बाकी दुनिया के लोगों के नॉर्थ कोरिया के लोगों का नाम मात्र को ही संपर्क है। पाक उनके नाम से स्विट्जरलैंड में पढ़ाई। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में किम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। वहां पहचान छिपाकर पढ़ाई हुई, बाकियों को कहा गया कि वो डिप्लोमेट के बच्चे हैं। गरीबों की तस्वीरें खींचना मना। बाइबल रखने पर किम ने रोक लगा दी है। पॉर्न सामग्री रखना या देखना सख्त मना है। साउथ कोरिया की फिल्में देखने पर पाबंदी है। गरीबों की तस्वीरें खींचना भी मना है। टूरिस्ट मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप भी नहीं रख सकते। गाड़ी खरीदना और जींस पहनना भी मना है। इन नियमों को तोड़ने की कड़ी सजा मिलती है। जिसने नाफरमानी की उसे सजाए मौत भी दी जाती है। सजा का कानून भी 3 पीढ़ियों तक चलता है। मसलन अगर उत्तर कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इस सजा को भुगतेंगी। इसका असर ये है कि कई परिवारों की 3 पीढ़ियां बिना कसूर जेल काट रही हैं। बाकी अब वक्त आपसे अलविदा लेने का। इस सनकी तानाशाह के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।